ऑटो टैक्सी का इस्तेमाल करने वाले लोगों को आज दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है दरअसल एक्शन कमेटी ऑटो टैक्सी यूनियन ने एक ऐप बेस्ड कैब सर्विस के खिलाफ हड़ताल करने का ऐलान किया है भारतीय मजदूर संघ इस हड़ताल का ऐलान करते हुए दिल्ली वालों से माफी उन्होंने मांगी और कहा है कि दिल्ली वालों की मुश्किलों के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं दरअसल टैक्सी यूनियन पिछले कुछ महीनों से लगातार ऐप बेस्ड ओला और उबर जैसी कैब सर्विसेज को बंद करने की मांग कर रही थी ऑटो टैक्सी चालकों के मुताबिक ओला और उबर की वजह से ऑटो टैक्सी चालकों की रोजी रोटी प्रभावित हो रही है लिहाजा ऑटो टैक्सी यूनियन ने हड़ताल करने का फैसला किया है यूनियन के मुताबिक सरकार जब तक उनकी मांगों को नहीं मान लेती तब तक टैक्सी चालक और ऑटो रिक्शा सड़कों पर नहीं उतरेंगे